राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर सामने आ रही है कि सचिन पायलट समर्थक विधायक इंदिराज गुज्जर और गुज्जर नेता विजय बेसला के बीच एमबीबीसी आरक्षण को लेकर ट्विटर पर वार पलटवार शुरू हो गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पायलट समर्थक विधायक इंदिराज गुज्जर ने सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर रीट भर्ती 2018 के 327 पदों पर नियुक्ति देने के समझौते की पालना नहीं करने पर सवाल उठाए। इंदिराज की चिट्ठी पर कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला के बेटे और गुज्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता विजय बेसला ने तल्ख कमेंट किए। इस पर इंदिराज गुज्जर और उनके समर्थकों ने बेसला पर पलटवार किया है। विधायक की सीएम को लिखी चिट्ठी पर तंज कसते हुए विजय बेसला ने लिखा, इंदिराज गुज्जर देर आए दुरुस्त आए, सरकार भी आपकी, समझौता भी सरकार का, चिट्ठी भी आपकी, समाज भी आपका। हैरत अंगेज है कि सरकार को सरकार के लिए चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। स्तंभ है कि सरकार खुद ही चिट्ठी भी लिखे और खुद ही बांचे भी। उम्मीद है केवल चिट्ठी ही नहीं, आप नौकरी भी दिलवाएंगे। विजय बेसला के कमेंट पर इंदिराज गुज्जर ने पलटवार किया। इंदिराज ने लिखा, सरकार से समझौता आपने किया, उस समय तो आप समाज के विधायकों को समझौता समिति में नहीं बुलाते, और जब युवा आपसे समझौता लागू करवाने की बात करते हैं तो आप उनको समाज के विधायकों के पास जाने के लिए बोलते हो। ये दोरी बात नहीं चलेगी। मैं हमेशा समाज के हक आवाज उठाता रहा हूँ और उठाता रहूँगा। इंदिराज गुज्जर ने सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर दिसंबर 2022 में हुए समझौते के अनुसार रीट 2018 के 327 पदों पर एमबीबीसी कैंडिडेट्स को नियुक्ति देने की मांग की है। इंदिराज गुज्जर ने चिट्ठी में लिखा, खेल मंत्री अशोक चांदना, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना और गुज्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बेसला के बीच में वार्ता के बाद दिसंबर 2022 में एमबीबीसी भर्तियों के संबंध में एक हाई पावर कमेटी गठित की गई थी। इससे प्रक्रियाधीन रीट भर्ती 2018 के 372 पदों पर नियुक्तियों को लेकर महीने भर में रिपोर्ट देने और इन भर्तियों में नियुक्तियों देने पर एक बार फिर समझौता हुआ था, जिसकी पालना अभी तक नहीं हुई। इंदिराज ने आगे लिखा, इससे पहले अशोक चांदना, रघु शर्मा की मौजूदगी में 31 दिसंबर 2020 को संघर्ष समिति और राजस्थान सरकार के बीच समझौता हुआ था। इसमें भी प्रक्रियाधीन रीट भर्ती 2018 के शेष 4% 372 पद सर्जित हुए, इन्हें 7 दिन में नियुक्ति देने का समझौता हुआ। उस समझौते की भी पालना अभी तक नहीं हुई। एमबीबीसी वर्ग के युवाओं को समझौते के हिसाब से नौकरी दे। विधायक के समर्थकों ने भी विजय बेसला पर निशाना साधते हुए तल्ख कमेंट किए हैं। मोनित पवार ने लिखा, समझौता तो आपने ही किया था बेसला जी, फिर भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। इसके लिए आपको और आपकी चंडाल चौकड़ी के साथ साथ उन मंत्री संतरी सबको माफी मांगनी चाहिए जो समाज के ठेकेदार बने घूम रहे थे। आपका काम वसुंधरा और गहलोत की गुलामी तक ही सीमित है। दोस्तों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।